जिम्बाब्वे वर्सेस इंडिया टी20 सीरीज आज इंडिया की सी टीम ने अपने नाम करवा लिया। 152 का टारगेट इंडिया के बैट्समैन को चेस करना था, जो कि दो बैट्समैन ने, जो कि दो ओपनर्स ने ही पूरा कर लिया। अगर हम बात करें जयसवाल की 93 रन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आप सोचने के बाद मेरी बात में समझ आई कि आज हिंदुस्तान अपनी इन्वेस्टमेंट की वजह से जीता है। आज हिंदुस्तान ने जो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की अपने यंगस्टर्स के ऊपर, वो जीता। इन बच्चों ने बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत किया और इंडिया की इन्वेस्टमेंट काम आ गई। अगर हम कैप्टन की बात करें, शुभमन गिल की बात करें, तो शुभमन गिल ने 58 रन बनाए और नो आउट पे जिम्बाब्वे की ए टीम को, जिम्बाब्वे की सीनियर टीम को बुक करके इंडिया ने साबित कर दिया कि वो वाकई वो न सिर्फ टी20 का चैंपियन है बल्कि क्रिकेट की दुनिया का किंग। यंग टीम इंडिया को आज आपने देख लिया है कि यंग टीम इंडिया क्या क्या कर सकती है। यंग टीम इंडिया जब अपनी आई पे आती है तो वो बेटा क्या क्या कर सकती है, किस किस को पकड़ के जो है वो उसकी औकात याद दिलवा सकती है, आज आपने देखा। बहुत तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय थिंक टैंक की। एक तो अपने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट करवाया वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद, वो सही स्टेप था। सो तारीफ बेतहा करनी पड़ेगी। टॉप ऑर्डर आज बेहतरीन तरह से फंक्शन किया भारत का। जैसे अभी यंग है और आगे चल के मुझे लगता है कि ये रोहित शर्मा और विराट कोहली के पाए के व्हाइट बॉल के क्रिकेटर बनेंगे। 18-20 सीरीज में उसने बता दिया, चाहे जिम्बाब्वे हो चाहे जोन सी मर्जी टीम हो, मैं गर्व उसके मारूंगा। इंडिया की सी टीम ने सीरीज अपने नाम करवा लिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम यही उनसे तवक्का करते थे कि यार वो यही करे और उन्होंने यही किया। और मैं ये कहूँगी अपने वालों को कि अब लोग आप इंडिया की सी टीम के पास चले जाओ। पहले हम अफगानिस्तान की मिसाल देते थे, अब इंडिया की सी टीम की दे रहे हैं कि उनके पास जाओ और कुछ सीख के आओ। मैं कह तू हेड साहब है भाई हिंदुस्तान बीसीसीआई को, कि आप फ्यूचर में नजर रख रहे हैं, आप देख रहे हैं क्या करना है, या आपस में लड़ रहे हैं, गोली पिल्ला खेल रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। और बजाय इसके तो ये देखा जाए कि रिपोर्ट किसने लीक की है, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फुदू लगा रहा है, पूरी कौम को क्रिकेटिंग इलिटरेट है और चेयरमैन बना है। वहां देखे जय शाह साहब का क्रिकेट के साथ कोई तल्लक नहीं है, लेकिन उनके डिसीजन देखे, हिंदुस्तान का बोर्ड मजबूत से मजबूतर हो रहा है, चैंपियन पे चैंपियन बन रहे हैं, प्लेयर पे प्लेयर निकल रहे हैं, कप्तान पे कप्तान निकल रहे हैं, एक के बाद एक जो है डेब्यू हो रहा है, और वो एक का एक जो है वो दिखा रहा है कि हमारे अंदर कितना ताण है, हमारे अंदर कितनी पावर है, हम कितने तैयार हैं। एक हमारे लकड़ पकड़ कोई यूएई से पकड़ के लाते हैं, कोई रिटायरमेंट से पकड़ के लाते हैं, और इनसे बल्ला नहीं पकड़ा जाता। मतलब उसने जिम्बाब्वे का घंटा बजा दिया। यही तो कयामत है। भारत भले जिम्बाब्वे से जीत गया हो, लेकिन मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहूंगा, चौबे पोर की सूजी। शुभमन गिल जो है वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर खेले हुए हैं, विराट कोहली के साथ खेले हुए हैं, हार्दिक पांड्या के साथ खेले हुए हैं। मेरे हिसाब से वो एक्सपीरियंस है, क्योंकि उसने जो है वो आईपीएल में भी कैप्टनसी की है गुजरात टाइटन की, तो आईपीएल में जो कैप्टनसी कर ले तो यूँ समझ लो कि वो इंटरनेशनल में कैप्टन जो है कामयाब है। क्योंकि आईपीएल में हर लेवल का प्लेयर जो है खेल रहा होता है, जहाँ पर आपको बड़े बड़े बॉलर भी फेस करने पड़ते हैं, बड़े बड़े बैटर भी फेस करने पड़ते हैं, टारगेट भी बड़े बड़े आपको चेस करने पड़ते हैं, माइंडसेट आपका जो होता है वही इंटरनेशनल होता है। तो मेरे नज़दीक वो एक कामयाब कैप्टन है, क्योंकि आईपीएल में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ी बड़ी टीमों को हराया और बड़े मुश्किल चेस भी किए हैं, बड़े टारगेट भी सेट किए हैं। भारत और जिम्बाब्वे के चौथे टी20 आई मैच के अंदर एक कमाल हुआ कि इस सीरीज का ये चौथा मैच आ चुका है, लेकिन अभी तक कोई ओपनिंग साझेदारी 50 रन की भी नहीं हुई थी, वो पहले जिम्बाब्वे ने बनाई, जो कि एक मतलब अपने आप में भी एक छोटा मोटा रिकॉर्ड है। फिर नंबर आया टीम इंडिया का, टीम इंडिया ने 100 रन से भी ज़्यादा साझेदारी कर दी, ये तो नेले पे देला हो गया। और भारत ने शानदार तरीके से मैच को जीत लिया और इस जीत के साथ में भारत 3-1 से अजय बढ़त बना चुका है। और जयसवाल ने क्या बैटिंग की, आए हाय दिल गार्डन हो रहा है। साथ में गिल ने भी बहुत अच्छी शानदार बैटिंग की, हालांकि जिम्बाब्वे ने जिस तरीके से शुरुआत की थी, मुझे लगा था आज ये भाई लोग 180-90-200 के ऊपर जाएंगे, लेकिन फिर भी भारतीय बॉलरों ने, फील्डरों ने और गिल की कप्तानी ने 150 के आसपास ही रोक दिया। भारत की शानदार जीत से पाकिस्तान से भी कुछ प्रतिक्रिया निकल के आई है, तो चलिए आनंद उठाते हैं। और जयसवाल ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा। क्योंकि मैं अभी रिसेंटली मैं देख रहा था तो 135 तक जीरो आउट था और कोई भी आउट नहीं हुआ, और ये माशाल्लाह से पीछे टी20 वर्ल्ड कप सीरीज है वो भी जीत गया, बट पाकिस्तानियों को मैं कहूंगा शेम ऑन। किसी टीम नहीं कहा जा सकता, अब तो जस्टिफाई करें उनको, आप इंडिया की ए टीम ही कहें। विराट ने ऐसे नहीं कहा था कि भाई हमने रिटायरमेंट लेनी है, उन्होंने रिटायरमेंट ली है क्योंकि पीछे उनके पास टैलेंट पड़ा है। आप देखिए जसवाल ने जैसी बैटिंग की, अभिषेक ने 100 लगाया, लोगों ने कहा कि इंडिया के पास जस्ट अभिषेक ही है। नहीं भाई साहब, उनके पास जसवाल है, उनके पास गायकवाद है, उनके पास शुभमन गिल है। आज देखिए अगर जसवाल ने मारा है तो हम शुभमन गिल को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कैप्टन नॉक कर लाया उसने। शॉट्स को डिस्कस हुआ, पाकिस्तानी फैन बहुत खुश हुए कि नो लुक शॉट उनका बहुत खूबसूरत है, मगर एक कंप्लीट पैकेज अगर टैलेंट को आपने
में एज एन एग्जाम्पल दिखाना हो तो जयसवाल हैं। आप बताएंगे कि एक अच्छे स्ट्रक्चर से अगर कोई प्लेयर निकल कर आता है तो वो जयसवाल बनता है ना कि वो साइम अयूब बनता है। अगरचे साइम अयूब को मैं खुद बहुत रेट करता हूं, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान के इन फ्यूचर एक बड़े बल्लेबाज बन सकते हैं, मगर अभी तक की एक एग्जांपल ली जाए कि पाकिस्तान में क्रिकेट स्ट्रक्चर क्या है और भारत में क्या है, अगर उस स्ट्रक्चर से होकर कोई प्लेयर टीम के अंदर आता है तो दोनों में कितना बड़ा गैप है। बड़ा स्लो है, नौ खेला है, अगर बात करें 60 के राउंड अबाउट वो रन कर गया, 89 रन आके वो दूसरा लड़का कर गया। तो इसी तरीके से देखें अगर बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, जिम्बाब्वे 200 प्लस जा रहा था, 10 ओवर में उनके 67 रन थे और कोई खिलाड़िया उड़ था, लेकिन उसके बाद जैसा ग्रैंड कमबैक किया भाई, शमन गिल की कैप्टनसी को भी दाद देना बनती है। शमन गिल ने जिस तरीके से अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, अभिषेक शर्मा भाई बैटिंग में तो खेल रहा है, आज अपनी डेब्यू विकेट निकाल गया, शिवम दुबे भी विकेट निकाल गया, तुषार देशपांडे डेब्यू विकेट ले गया, खलील अहमद ने दो आउट कर दिए, तो मतलब उनके पास जो भी लड़का आया है आज उसने अपना पूरा किरदार अदा किया, अब चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। अभी तो बिलीव करें संजू सैमसन, रिंकू सिंह, इन लड़कों की बारी नहीं आ रही अदरवाइज। हालांकि हम तो अभिषेक शर्मा का आज भी बैटिंग देखना चाहते थे कि यार, क्योंकि वो आउट के बाद मोस्टली आ जाते हैं। हमाद भाई, अगर इंडिया की सीरीज की बात करें, ए टीम की बात करें या सी टीम की बात करें, तो इंडिया सीरीज में हमेशा खुद को डोमिनेट रखता है, T20 वर्ल्ड कप भी विन किया। इंडिया अपने टैलेंट को कितने खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, देखिए वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट तैयार करते हैं अपनी लीग में से, लीग में जब वो 20-20 करोड़ के प्लेयर खरीदते हैं तो पाकिस्तानी हंसते हैं कि वो इतने महंगा प्लेयर क्यों ले लिया। इसलिए लिया कि वो अपने यंग लड़कों को तैयार करते हैं, उनका माइंडसेट देखते हैं, उनसे माइंड लेवल देखें। अगर पैट कमिंस के गया था तो उसकी कैप्टनसी में इन्होंने अभिषेक को खिलाया, अभिषेक ने उसे कितनी चीजें पिक की होंगी जिसका इंटरनेशनल लेवल पे उसको फायदा हुआ। इसी तरीके से जसवाल है, इसी तरीके से सैमसन है, ये जो भी लड़का है, लेकिन नो डाउट भाई आज की परफॉर्मेंस देख के मतलब भी बात कर लेना, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी आ गया। हां बिल्कुल ऐसा ही है, साथ में देखें आप, देखें इंडिया की लेजेंड्स की टीम, अब देखें इंडिया की ए स्ट्रेंथ जिसमें विराट रोहित बुमराह है वो टीम, और उसके बाद इंडिया की बी टीम जिसमें शमन गिल या ये लड़के हैं, भाई तीनों ही डोमिनेट करे जा रहे हैं, जिसको जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है वो उस प्लेटफॉर्म को मैं कहता हूं नेल करके रख रहा है, नेल्ड परफॉर्मेंस। इंडिया की सी टीम ने सीरीज अपने नाम करवा लिया, बहुत बहुत मुबारकबाद। हम यही उनसे तवक्का करते थे कि यार वो यही करे और उन्होंने यही किया, और मैं ये कहूंगी अपने वालों को कि अब लोग आप इंडिया की सी टीम के पास चले जाओ, पहले हम अफगानिस्तान की मिसाल देते थे, अब इंडिया की सी टीम की दे रहे हैं कि उनके पास जाओ और कुछ सीख के आओ, ताकि हम भी थोड़ा सा सर को बुलंद करके कह सके कि यार हमारी टीम भी कहीं ना कहीं कुछ कर। आज का कॉन्फिडेंस नाला बहुत हाई, कोई आउट ही नहीं हुआ, कोई आउट ही नहीं, मतलब कि इससे तो हमें ये नजर आ रहा है कि अब विराट कोहली हो गया, रोहित शर्मा हो गया, उनकी तो एक अपनी ब्रांड वैल्यू है, लेकिन अब जो उनकी सी टीम के जो न्यू टैलेंट आ रहा है, जो अभी हमने देखा है जिस तरह से उन्होंने सीरीज में विन किया है, तो मुझे लगता है इनकी भी बड़ी फैन फॉलोइंग हो गया, जिस तरह से हम उनकी बात कर रहे हैं, तो जबरदस्त है यार। हाँ तो दो बंदों ने मैच जितवा दिए ना, शुभमन गिल और उसके साथ अगर अभिषेक भी आ जाता तो फिर तो और ही मजा आ जाना था, उनकी तो बैटिंग की बात ही नहीं है यार। अभी हम विराट कोहली की बैटिंग की बात करते हैं, अब अभिषेक भी आ गया अंदर, तो मतलब कि उनका जो न्यू टैलेंट है वो भी बहुत ज्यादा, उन्होंने इंडिया को, जिम्बाब्वे तो याद रखेगा ये वाली सीरीज, उनको ये लग रहा था कि जो सी टीम है ना ये हमारे आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सी टीम ने उनको धोया ना, ऐसा धोया, ऐसा मैच नहीं कर पाए, कर ही नहीं सकते भाई। इंडिया की जो प्लानिंग है वो चाहे बड़े प्लेयर्स हों चाहे वो छोटे हों, उनकी जो प्लानिंग है वो सोच एक ही तरह, वो अपनी तमाम टीमों को एक ही तरह का बताते हैं कि हमने किस तरह से अगले को हराना है, तो वो उसी चीज को फॉलो करते हैं। आज उन्होंने बता दिया बिना कोई मैच हारे, बिना कोई आउट किए, मंजू ये पिछला मैच भी हमें हरवाया है, और मैं यकीन मानू ये कहना चाह रहा था वो कौन है, एक मोटा सा है, वो आजम खान उसको रखा हुआ है, और दोबारा वहाँ एक लड़का था जिसने बाहर जाए किसी औरत को मारता था, एक लड़ाई हुई थी बाहर में, वो उसका क्या नाम था, देखिए जब आप गंदा मैच हारते हैं, मैं बैंकर हूँ, अगर मैं कुछ गलत काम करता हूँ तो मुझे कस्टमर भी डांटता है, ठीक ना, और मेरा गलत काम ना भी होना, रिसेंटली मुझे कस्टमर लड़की थी उसने मेरी बहुत इंसल्ट किया, मैंने गाड़ी सेल करनी थी और मैंने बिल्कुल सही बताया, कहती तुमने गलत बताया, बट फिर भी मुझे उसकी बात सुननी थी क्योंकि वो मेरी क्लाइंट थी। अगर हारिस राउफ को किसी ने बैक बाइटिंग कर दिया, कुछ कह दिया, इट डजंट मीन यू बिहेव लाइक मारना है। मैं दुबई गया हूँ रिसेंटली, आपको सही बताऊं, हमारे पाकिस्तानी वहाँ पे पता क्या बदमाशी कर रहे थे, ओए हम बदमाश चाहिए हैं, लेकिन इंडिया चुपके चुपके अपना काम कर रहे हैं, सेफ हैंड से खा रहे हैं, और माशाल्लाह इतना प्यारा लग रहे हैं, हम बदमाशी करके दो मिनट के बाहर होते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं, और इंडियन मासूमियत में प्यारे लगते हैं। और मैं आपको बताऊँ यार, ये सब बातें हैं इंडियन जी हैं, मुझे बाय गॉड वहाँ पे ना, मैं जॉब हंटिंग कर रहा था, यहाँ से किसी ने भेजा, फ्रॉड हो गया, तो मेरी जो हेल्प की है ना वो इंडियंस ने किया, सच में बाय गॉड कह रहा हूँ मैं, मुझे इंडियंस ने हेल्प किया, एक जगह मेरी जॉब हुई है तो वही मुझे इंडियन ने कराया थी कि यार यहाँ कर लो, लेकिन यहाँ तो प्रोपोगंडा फैलाते हैं दुबई में, इंडियंस पाकिस्तानियों को टिकने नहीं देते, यार ये बिल्कुल झूठ है, दुबई में हमारा कौन गया हुआ है,
सारा लेबर वीजा हम है, सारे क्रेडिट कार्ड चोरी हम करेंगे, जॉब पे परफॉर्मेंस हम नहीं देंगे, वो कहेंगे जॉब करें, ये सिगरेट पीने बाहर चले जाएंगे। इतनी गंदी इनकी वर्ल्ड सिचुएशन है पाकिस्तानी, मैं आपको क्या बताऊं, बाय गॉड मैं विदाउट जॉब इनको खाने खिलाता रह गया हूं। हाँ। इनकी हालत ही नहीं है जॉब करने वाली। हाँ। ये ना सीरियस नहीं होते जॉब में। हाँ। आपका बिहेवियर पता है, जॉब में आएंगे हम बदमाश हैं, हम लड़ी हैं, हम में जज्बा है, और लाना था तुम्हारे जज्बे पे यार। हाँ। तुम कोई जंग जीते क्या, सॉरी कोई जंग जीते बस, 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 बस